दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला जो कि गाइस खेला जा रहा है और जिसमें गाइस 4 दिन समाप्त भी हो चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि यहां पर दोस्तों इंग्लैंड जीत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड टीम के 2 खतरनाक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और अभी तक मात्र 3 ही विकेट गंवाए इंग्लैंड की टीम, और जीत के लिए महज 119 रन चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर हम नहीं कह सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि टीम इंडिया का फर्स्ट इनिंग में जो कि गई शुरुआत था ख़राब था, लेकिन एंड में अच्छी बल्लेबाजी पंत और जडेजा ने करके दिखा दिया कि अभी भी भारतीय टीम में पूरी तरीके से बल्लेबाजी है। और ऐसे में गाइज आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले इनिंग में आपको पता ही है कि 416 रन बनाई थी, उसके बाद गए जब इंग्लैंड बैटिंग करने आए तो महज 284 रन पे ही ऑल आउट हो गई, एंड उसके बाद सेकंड बैटिंग में अपने टीम इंडिया ने 245 रन बनाए। और ऐसे में गाइज यहाँ पर इंग्लैंड को गाइज यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोर मिला चेस करने के लिए, लेकिन गाइज अपने चौथे इनिंग में यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड टीम ने 259 रन 3 विकेट पे बना डाले हैं। और ऐसे में गाइज जो रूट एंड जॉस बटर जो कि सेट बल्लेबाज यानी कि रूट 112 गेंदों पे 76 रन बनाए हैं और 87 गेंदों पे 72 रन बेरिस्टो बना के यानी दोनों बल्लेबाज क्रीज पे अभी भी मौजूद हैं, तो इंग्लैंड के लिए खतरे बिल्कुल ही कम हैं। और अगर भारतीय टीम को इस मैच में वापसी करना है तो यहाँ पर गेंदबाजों का चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि इस इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके और इसके अलावा कोई भी गेंदबाज अभी तक कोई भी विकेट लेने में सफलता नहीं हासिल किया है, और ऐसे में जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के ऊपर रहने वाली है। अगर इन दोनों सेट बल्लेबाजों को भारतीय टीम पर पवेलियन भेज पाती है तो कहीं ना कहीं मैच में टीम इंडिया वापसी कर सकती है। हालांकि दोस्तों इस पर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कि आज का महामुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। ऐसे डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।